तो गाइस सर, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे और एक वीडियो के अंदर। तो गाइस सर, आज के वीडियो में मैं आप लोग को बोला वाला विंडोज़ 11 की कुछ नए फ्यूचर्स के बारे में मैं आप लोग को आज बोलने जा रहा हूँ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होगा। और ये वर्जन June 23 वाला है। चलिए मैं आप लोग को भी अपना विंडोज़ 11 दिखा रहा हूँ। तो गाइस सर, आज हम लोग कुछ ऐसे फ्यूचर्स के बारे में विंडोज़ 11 में जानने वाला है, जो कि आप लोग को भी हैरान कर देगा। पहले गाइस मैं आप लोग का विंडो, अब मैं खुद का विंडोज़ का ISO फाइल दिखा रहा था। ये वाला आप जो फाइल देख सकते हो, ये है अपना ISO फाइल, जो कि अपना मेन है विंडोज़ 11 को मुझे अपने PC में रो ये करने के लिए इस फाइल ने मेरी मदद की थी। और गाइस सर, इसमें और भी कुछ नई नई चीज़ें आई, DSPC वगैरह सब नीचे चले गए। और अपना विंडोज़ जो है ना, वो पूरा स्ट्रेट लाइन में पूरा आ चुका है, जो कि पिछली बार से थोड़ा सा ये लगता है, क्योंकि इस समय ये वाला विंडोज़ पिछली बार से बहुत अच्छा लगता है। और गाइस सर, इसके नए नए फीचर्स की बात करूँ तो इसके नए नए फीचर्स में बोलो तो बहुत तगड़े तगड़े होना चाहिए, क्योंकि गाइस सर है ही इतना तगड़ा, तो इसके फीचर्स तो तगड़े होने ही चाहिए ना। तो इसलिए गाइस सर, मैंने जो है कंप्यूटर को पिछली बार से ज़्यादा बेहतरीन बना दिया। सब लोग को पता है मैं इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ। पहले हम लोग का सेटिंग्स पे चलते हैं यार, और चलो मैं आप लोग को इसके फीचर्स दिखा देता हूँ। पहले हम लोग चलते पर्सनल लाइफ पर, आप देख सकते हो। चलो यहाँ जाकर मैं आप लोग को पहले कुछ नए नए थीम्स दिखा देता हूँ। ये देख लो, नए नए थीम्स। और गाइस सर, मैं अपने दूसरे चैनल के भी इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, उसको जाकर अभी तक आप लोग नहीं देखा तो नहीं देखा हो तो जाकर देख लो। और गाइस सर, आप लोग ये नहीं देखा तो ये भी देख लो, मेरा ये इमेज बहुत तगड़ा यार। अभी गाइस सर, आप लोग देख सकते हो कितने सारे यस थीम्स है। पहले मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, 2x2, ठीक है, वो बढ़िया है, ये बढ़िया। ओके, तो गाइस सर देख सकते हो कितने सारे नई नई थीम्स भी ऐड हो चुके हैं। और अब भी गाइस सर हमारे पास अभी अपना गाइस सर, आप भी देख सकते हो यहाँ का जो इस क्या बोलते वो था, वो भी उसका नाम भी चेंज हो चुका है पूरा का पूरा। और विंडोज़ का ये भी पूरा का पूरा लोगो भी सब चेंज हो चुका है। और पर अगर आपके पास अगर HP लैपटॉप है, इसको रन कर रहे हो, तो आपको जो बाहर का HP वाला फोटो है वही आएगा। पर आप लोग अगर MSI में, आप लोग के पास अगर MSI का लैपटॉप है, तो आपको विंडोज़ वाला फ़ोटो आएगा। वैसे भी मैं आप लोग को अभी गाइस सर आपको यहाँ का सब कुछ दिखा देता हूँ। नेटफ्लिक्स वगैरह सब आप लोग को इसमें ईजिली मिल जाएगा। और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की बात करो तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में मेरा साइनअप नहीं, इसलिए मैं इसको नहीं चलाऊँगा फिलहाल के लिए, तो नहीं चला सकता, जो कोई ऐप्स नहीं वर्क करेंगे। और अगर सर आप लोग को इसको पावर ऑफ करना, तो इस वाले बटन पे जाकर पावर ऑफ आप लोग स्लीप वगैरह सब कर सकते हो इस। और आप लोगों को अगर सर, आप लोग को अगर विंडोज़ ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आता है और आप लोग को कुछ आपको और ऐप्स नहीं मिलते, तो आपको जो ऑल ऐप्स वाला बटन है वहाँ जाना है, तब आपको सब ऐप्स मिल जाएंगे इसके। आप देख सकते हो जो भी 3D व्यू वगैरह सब कुछ आपको यहाँ ही मिलने वाला है। और आप लोग को अगर ये लोगो भी पूरा कपड़ा चेंज हो चुका, पूरा ऐसा वाला आप देख सकते हो, पूरा 100% अपना कंप्यूटर चेंज हो चुका है। और अगर सर अपना टाइप हेयर टू सर्च ऊपर जा चुका है, पूरा नीचे था वो, पहले नीचे था, अभी उस साइड पे पूरा टच था, और इस बार पूरा यहाँ तक टच तक नहीं, और ये पूरा हवा में फ्लोट कर रहा है अभी ऊपर के साथ साथ, सर्च बार भी ऊपर के साथ। तो वैसे सर यही, और कुछ नए नए थीम्स भी है, जो कि आप लोग इजीली सिलेक्ट कर सकते हो। और वैसे भी अगर सर इसका ISO फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अगर दे दूँगा या नहीं ये मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैं लिंक प्रोवाइड करने जाऊंगा ये थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होने वाला है इसकी वजह से। और अगर सर ये अपना विंडोज़ 11 बहुत बेहतरीन है, और आप लोग भी विंडोज़ 11 चाहिए, तो मैंने एक वीडियो इसके बारे में बना चुका दूसरे चैनल में, जाकर फटाफट से देख लो। तब तक के लिए बाय बाय।